हेलो एंड वेलकम एवरी वन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड वेलकम सॉरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू क्योंकि आज हमारी क्लास शाम को हो रही है सो वेलकम टू अ ब्रैंड न्यू लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आज हमारा दूसरा लेक्चर है आपको याद दिला दो कि जो हमारा इससे पहले लेक्चर हुआ था उसके अंदर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं उसको समझा था ऑल्सो वी अंडरस्टूड की मॉडुलस कॉन्जुगेट और आर्ग्यूमेंट तीन काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के पास में कुछ ना कुछ मॉडुलस होता है कुछ ना कुछ उसका इंक्लिनेशन या फिर आर्ग्यूमेंट होता है कैसे चारों क्वारेंट्स में हमने अलग अलग तरीके से आर्ग्यूमेंट्स निकाले थे वो सब चीजें भी आई होप आपको याद होगी और कॉन्जुगेट जो कि काफ़ी स्पेशल चीज थी एक्स सैक्सेस में रिफ्लेक्शन था कॉम्प्लेक्स नंबर का वो भी हमने वहां पर देखा था तो वो वेरी वेरी सिंपल एंड एलिमेंट्री थिंग्स वो सब हमने इससे पहले वाले लेक्चर में अपनी कंप्लीट करी थी तो आई होप आप सब लोगों ने उसको रिवाइज डेफिनेटली कर लिया होगा

लेकिन आज हम आ, पोलर और यूजर फॉर्म जो कि अगेन एक तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का उसके बारे में सीखने वाले हैं सो so, फटाफट फड़ से एक बार वेलकम कर लेते हैं एक तो सारे बच्चों का मेक श्योर दैट यू डू लाइक द सेशन एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स आल्सो ठीक है सो वी हैव प्रभाकर वी हैव स्वधा लाजपत कृष्णा लाजपत कृष्ण ओके मेघराज तड़का झटका जी वेरी वेरी नाइस यार क्योंकि आज हम जयपुर से वापस आ रहे थे तो आई जस्ट अराइव वन आर बैक तो इसलिए मैंने शाम को रख ली थी कल की जो क्लास है एल थ्री पढ़ेंगे की 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 वो 1230 पे ही मैंने है है ठीक सो टुमरो वी आर गोइंग टू रिटर्न एट आर यूजनिक्स राइट जी सो so, स्टार्ट कर ले फटाफट से तो ज्वाइन जरूर से कर लेना sure आप लोग जितनी भी तैयारी यहां पर कर रहे हो एक तो सारे क्लासेस को अटेंड करते हुए कर रहे हो आ, सारी चीजों के नोट्स बना रहे हो और इसी के साथ साथ में इस विश्वास के साथ में कर रहे हो कि यार अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते रहेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि यार आपकी भी इसी तरीके से 100 परसेंट आज जैसे अमया सिंगल की आई थी ए आई आर वन इन जे ट्वेंटी और भी इस तरीके के रिजल्ट जो अन ने पहले भी प्रोड्यूस किए हैं आपका भी रिजल्ट इस तरीके का आ सकता है आप भी टॉप टेन हंड्रेड और थाउजेंड में आ सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली हर दिन मेहनत करते रहेंगे तो मेक श्योर की रेजोल्यूशन कभी टूटना नहीं चाहिए कि आपने आज मेहनत नहीं करी वो ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपके भी रिजल्ट्स इसी तरीके से रिजल्ट थ्री में देखने के लिए मिलेंगे ऑलराइट right, जी चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को विद अ होमवर्क क्वेश्चन लास्ट क्लास में ये सवाल मैंने आपको दिया था 2020 का पी वाई था एंड आई हैड टोल्ड यू दैट इट इज वेरी वेरी इजी बट डू ट्राई इट आउट तो क्या आपने ट्राई किया इफ येस yes, आपका आंसर क्या निकल करके आया था एबीसीडी ऑप्शंस में से फटाफट -फड़ से बताइए यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे जेड वन और जेड टू उसके ऊपर में पूरा डिस्कशन यहाँ पर होना था मॉड भी इन्वॉल्व है आर्ग्यूमेंट भी इन्वॉल्व है तो एक बार अपन भी यहाँ पर देख लेते हैं जनरली क्या काफी सारे सवालों में शुरुआत वैसी होती है एक्स प्लस आयोटा वाई लेके दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं तो मैं भी ना दो अज्यूम कर लेती हूँ एक को तो एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन करके अज्यूम कर लेती हूँ और दूसरे वाले को मैं जेड टू equals to x2 plus iota y2 करके अज्यूम कर, कर लेती हूँ, ठीक है सबके रियल और कॉम्प्लेक्स सॉरी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मैंने सबके अलग-अलग ले लिए ओके नाउ लेट्स सी फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z1 क्या होता है भैया x1 होता है मोड ऑफ z1 1 पहली चीज z1 का मोड एक चीज होती है √x12 y12 वॉट अबाउट जेड वन माइनस वन मैंने कही तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपने चेंज कर दिया तो सबसे पहली चीज तो यार आप मेरे को मौका दो एक सेकेंड जेड वन माइनस वन लिखने का अब यहां पर भी एक और चीज है one क्या है one एक, है one तो one है प्योरली रियल नंबर तो यार और क्या है तो यहाँ पे आपने पढ़ा था कि जब भी हम दोनों चीजों को सप्रैक्ट करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सप्रैक्ट करते हैं तो रियल रियल की डीलिंग अलग होती है और इमेजनर इमेजनर यानी कि जिनके पास में आई होता है उनकी डीलिंग अलग होती है तो यहां पर कौन कौन है एक्स वन रियल है और वन रियल है तो मैं इसको ऐसा लिख दू ना एक्स वन माइनस वन और आयोटा वाई वन इधर है यहां पे तो इस बेचारे वन के पास में तो था ही नहीं है तो प्योरली रियल था तो आयोटा वाई वन बेचारा एज इट इज आपके पास में आ गया सिमिलरली आगे चल के मुझे जेड टू माइनस वन की भी जरूरत पड़ने वाली है तो मैं यहां पर उसको भी लिख लूँ कि यार रियल रियल वाले साथ में आ जाओ अरे इमेजिनरी वाला आयोटा वाई टू तू अकेला है चल तू ही आला ठीक है ना तो इस तरीके से हम पहले से ही लिख करके रखेंगे अब देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है बोलता है कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन इज इक्वल्स टू मॉडल ऑफ मॉडल ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडल क्या लिखोगे आप रूट में डाल दिया रियल पार्ट का स्क्वायर कर दिया और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर यहां पर कर दिया इनफैक्ट ये जिस तरीके की इक्वेशन में डेफिनेटली इसको स्क्वायर करना चाहूंगी क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यार कुछ ना कुछ काटा पेटी यहां पर होने वाली है प्लस वाई वन स्क्वेयर मेरे ख्याल से सब लोगों ने एक्स वन स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर काटा होगा और वाई वन स्क्वायर को उधर रोक करके आपने टू एक्स वन माइनस वन करके एक इक्वेशन बना ली होगी इनफैक्ट अगर इसका ये हाल है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर तो मैं कॉपी कर सकती हूँ और टू एक्स वन की जगह टू एक्स टू लिख देती हूँ माइनस वन को भी कॉपी कर लेती हूँ तो यहां पर मेरी ये दो कंडीशंस तो आ चुकी है ठीक है सो इट वाज वेरी वेरी सिंपल एक बार फटाफट -फड़ से लिख करके भी बताओ कि यार आपका आंसर क्या निकल करके आया था हाँ जी कट गया था ओके okay, स्वादा वेरी वेरी नाइस हाय रिया चौधरी हाय मनोहर साई हाय साई ठीक है तो फटाफट -फड़ से एक बार बताइए कि यहाँ पर यही निकला था सबका इतना इतना पार्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रीडिंग के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है अब आते हैं इसके अगले हिस्से पे अगला हिस्सा क्या बोलता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू फिर से वही बात जेड वन माइनस जेड टू तो आपने एक अलग ही कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया तो पहले मुझे जेड वन माइनस जेड टू लिखने तो दो x1 एक्स वन माइनस ये तो रियल वाले पार्ट्स आ गए आयोटा y1 वन माइनस ये तो पहली बात हुई कॉम्प्लेक्स नंबर की बात अभी इसका आर्गुमेंट लिखना है आर्गुमेंट लिखना है. इसका आर्गुमेंट हम क्या लिखेंगे tan मॉड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू और इसका आर्गुमेंट ये क्या बोल रहा है खुद कि भाई ये पाई बाई स थर्टी डिग्री के बराबर है तो को अपन ने यहाँ पर कॉपी कर लिया अब यहाँ पर देखो यार एक्स वन वाई वन और का पता नहीं है ना क्या है तो आप ये सब मत सोचना कि यार करके लिख देते हैं ठीक है सो वॉट डू वी गेट फ्रॉम वी गेट वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू अच्छा टेन ऑफ फाइव बाई कितना होगा वन बाय थ्री मॉड रखना चाहते हो तो रखो अदरवाइज आप प्लस माइनस लगा सकते हो ठीक है तो प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री करके लिख दिया सो राइट टू यहाँ पे था वाई वन प्लस वाई टू यहाँ पे था यहाँ पे वाई वन स्क्वायर वाई टू स्क्ट्रैक्ट करते हो तो काफी कुछ बन जाएगा सो so, मेरे ख्याल से फ्लो हमारे दिमाग में क्लियर है ऑलरेडी बस एक बार लिख लेते है, y, -2 करते हैं सो so, वाई वन स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर आएगा वन वन कट जाएगा सो ट्वाइस ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू भी आ जाएगा फैक्टराइज एक बार कर लेते हैं सो वाई वन प्लस वाई टू जो कि मुझे चाहिए वाई वन माइनस वाई टू जो कि मुझे नहीं चाहिए इज इक्वल रूट थ्री है ना 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 तो एक काम ना करूं। इसको इधर ले so, लगा देती हूँ और इक्वल टू टू बस बचेगा यहाँ पे सो so, मेरे ख्याल से यहां से आंसर क्लियर है कि टू रूट थ्री या माइनस टू रूट थ्री टाइप का आना चाहिए ऑप्शंस में देखोगे

ओके चलिए सो स्टार्ट करते हैं फिर आगे चलते हैं यहां से इजी uh, थी ये वाली चीज ठीक है क्या हो गया अपेक्षा द्विवेदी रॉन्ग क्या हो गया इसमें मतलब मेरा रॉन्ग हुआ है स्वधा का रॉन्ग हो गया है कुछ ओके ठीक है सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरी वन अब यहां से आगे चलते तो ईजी सवाल था ओवरऑल ठीक है ओके ओके ठीक है तो अब या न डिस्कशन बाद में करना यार है ना चलो अब स्टार्ट करते हैं यहां पर पोलर uh, फॉर्म के साथ में अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं होता एक कोऑर्डिनेट की तरह होता है जैसा हमने स्ट्रेट लाइंस वगैरह के चैप्टर में पढ़ा है बस फर्क है उस समय कार्टेशियन प्लेन था अब आगंध प्लेन है यह भी समझा कि किस प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा भी फिर a भी आर रियल नंबर्स बट ये जो i है आयोटा उसके चक्कर में ये पूरा का पूरा नंबर क्या कहलाने लग जाता है कॉम्प्लेक्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के काफी सारे तरीके होते हैं पोलर फॉर्म इज ऑल्सो वन ऑफ दोस तरीका ठीक है

लिख दो या लिख दो जो भी है। साथ आप क्या लिखते हो बराबर है सो so, अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का या किसी भी पर्टिकुलर आप कह सकते हो लाइन सेगमेंट का आपको पता है कि हाँ यार ये पॉइंट आर दूरी पर था और थीटा एंगल पे था तो आप इसी चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हो आप लोग ऐसा कैसे लिख दिया मैंने कहा यार ब्रैकेट खोल के देखो जरा ब्रैकेट खोल के देखो क्या मिलेगा मॉड मिलेगा प्लस आई टाइम्स मॉड थीटा मिलेगा तो हाँ तो तो बोलेंगे हमने कहा वेक्टर्स पड़ चुके हो यार ये क्या है आज क्या ये आर थीटा नहीं और अगर ये आर है तो क्या यही चीज एक्स के बराबर नहीं इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर पी पॉइंट के आज अगर यही चीज आर साइन थीटा है तो क्या यही चीज पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट डिफाइन नहीं करती क्या आप बोलोगे यस करती है हमने कहा इतना वेक्टर तो तुम फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो ना कि इसको क्या बोलोगे r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप या अगर आप आर्गंड प्लेन की बात कर रहे हो वेक्टर्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हो 2d के कार्टेशियन टेन की बात नहीं कर रहे हो तो आप इसको कैसे लिखोगे r cos थीटा प्लस i r sin थीटा तो यही चीज तो यहां पर भी लिख रहे कि r और mod z सेम ही है तो इस तरीके से आप यहां पर आसानी से यही कि यार ये एक्स होता है और ये वाई होता है इसी वाले नोशन से आप पोलर फॉर्म पे भी ऑटोमेटिकली आ गए अब सवाल आपसे ये है कि अगर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ मॉर्ड जेड टाइम्स या आर टाइम्स कॉस सीटा प्लस आई थीटा तो उसके कॉन्जुगेट को कैसे लिखेंगे जिनको याद नहीं है उनको याद ला दो यार कॉन्जुगेट क्या था इस वाले पॉइंट की मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस Z बार जिसको हम लिखा करते थे या फिर मैं इसको P डैश बोल देती हूं अब ये बताओ फटाफट फड़ से कि Z बार का कोऑर्डिनेट किस तरीके से लिखूं या तो कोऑर्डिनेट बता दो या पोलर फॉर्म में बता दो चलिए फटाफट फड़ से एक बार बताइए यस याद ऑल राइट तो फटाफट फड़ से एक बार बताइए कि कॉन्जुगेट का किस तरीके से लिखना है क्या सबसे पहला सवाल क्या इस P पॉइंट की दूरी और इस P डैश पॉइंट की दूरी ओरिजिन से सेम रहेगी या फिर नहीं रहेगी माने क्या मॉड और मॉड ऑफ z कौन क्या वो दोनों चीजें सेम रहेंगी कि नहीं रहेंगी ये फटाफट से एक बार लाइव चैट में हो जाए क्या ये दोनों दूरी सेम रहेंगी कि नहीं रहेंगी अगर इसका आर लिखा है तो क्या मैं इसका भी आर लिख सकती हूं या फिर नहीं लिख सकती हूं ये बता दो इसका कितना वेटेज है है वन क्वेश्चन आता कभी कभी वन मतलब दो भी हो सकते हैं है, वैसे एक ही रहता है सेम रहेगा अंकित कह रहा है अच्छा अंकित के अलावा साई भी कह रही सेम रहेगा लाजपत भी कह रहे सेम रहेगा वेरी वेरी गुड ठीक है समझ में आता है कि हाँ भाई सेम रहेगा अच्छा अभी कोऑर्डिनेट लिखने को बोलू तो लिख पाओगे या फिर थोड़ी सी और हेल्प चाहिए तो चलो एंगल की भी बात करते हैं इस डायरेक्शन में एंगल थीटा था तो क्या हम नहीं कह सकते कि यार नीचे की तरफ तो उल्टा उतना ही घूम गए मतलब ऊपर थीटा तो नीचे माइनस थीटा क्यों क्योंकि सेंस अलग है ना उधर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे थीटा आपने उसको पॉजिटिव ले रखा था यहाँ पे आप क्लॉकवाइज घड़ी की सीध में घूम रहे हो तो उसको आप माइनस थीटा कह सकते हो सो ये पता पड़ गया कि अरे हाँ यार पंगा आ गया ना Models तो सेम है लेकिन आर्ग्यूमेंट अलग हो गया ना मतलब बोले कि जैसे आप अगर यहाँ पे आप लिखोगे तो आप कैसा लिख सकते हो कि यार आर को तो आर ही रहने दो या एंड बोथ सेम पर बोले कि जो एंगल है ना उसमें पंगा है अब जो थीटा आप लिखते हो ना उसकी जगह माइनस थीटा लिखो यार आई साइन ऑफ माइनस थीटा हमने कहा अरे ऐसे लिखेंगे क्लास इलेवेंथ की जो शुरुआत में वो पढ़ी थी हमने ट्रिग्नोमेट्री वो पूरी ताजा हो गई है या, तो minus ऐसा आप लिख सकते और इसका दोनों का ही एक्स वाला पार्ट सेम है मैंने कहा होना भी चाहिए था बॉस होना भी चाहिए था वाई वाले पार्ट में क्या पंगा है बोले जो इसका था ना जेड का उसका नेगेटिव हमने कहा कैसे बोले यहाँ पे देखो माइनस आर साइन थीटा दिख रहा है और उतनी नीचे इमेज बननी चाहिए थी यही तो कॉन्जुगेट था हमारा तो यहाँ पर हम आसानी से एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी बड़े प्यार से पोलर फॉर्म से निपटा ली भैया मजा आया कि नहीं आया है कि नहीं बहुत आसान चीज तो आप बोलोगे मैम इसमें नया क्या हुआ मॉडलर्स तो हम ऐसे निकाल लेते हैं आर्ग्यूमेंट हम ऐसे निकाल लेते तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे फिर इसमें तो बहुत ईजी है इज दैट राइट चलिए जी ठीक है हाँ साइट अपडेट हो गई बट उससे कुछ हुआ हुआ नहीं ना मतलब उससे क्या होगा साइट तो अपडेट करनी पड़ेगी क्योंकि तो से उन्होंने उसको मेंटेन ही नहीं की ना सही से ठीक है जी चलिए तो ये चीज हो गई कि आर्ग्यूमेंट ऑफ और वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली है आगे चलते हैं अब यहाँ से एक सवाल पर सवाल क्या है कि z है आपका माइनस वन प्लस टू आयोटा z है आपका माइनस वन प्लस टू आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो है माइनस वन कॉमा टू सेकेंड क्वार के किसी पॉइंट को बताते हैं ठीक है, है भैया चाहो तो डायग्राम भी बना लेना कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है सो समवेयर ओवर हियर इज दिस माइनस वन कॉमा टू पॉइंट अब आती है बात

Root आ गया, very, very दूसरी क्या चाहिए अपनी आर्ग्यूमेंट आर्गी आर्ग क्या होता है? एक है अपन क्या हम सेकंड क्वाड्रेंट में पाए माइनस थीटा या फिर पाए माइनस थीटा क्या होता था भैया टेन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ वाई बाएक्स क्या हम इस तरीके से आर्ग्यूमेंट लिखते थे इफ यू आर कन्विंस तो फिर मैं लिखती हूँ फटाफट से पाए माइनस टेन इनवर्स ऑफ y कौन है भैया टू x कौन है माइनस वन तो मतलब पाए माइनस टेन इनवर्स टू ये है इसका आर्ग्यूमेंट अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं tan इनवर्स टू कितना होता है इतना पता है फोर्टी फाइव डिग्री से बड़ा होता है लेकिन कितना होता है एंगल नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकती मैं इसको ऐसे लिख के रखती रही ठीक है अब आ जाओ आप अपने लास्ट वाले पार्ट में लास्ट क्या मुझे आंसर लिखो यार z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z मॉड ऑफ z बोले तो रूट फाइव टाइम्स ऑफ थीटा थीटा मतलब पाए माइनस टेन इनवर्स टू प्लस थीटा, थीटा मतलब पाई माइनस टेन इनवर्स टू मतलब आर्गुमेंट ये है आपका आंसर पर, ठीक है अब वो अलग बात है कि चलो अपन को इलेवेंथ में इतना ट्रिग्नोमेट्री आता है कि हम कॉस ऑफ पाए माइनस थीटा को क्या अच्छे से न्यूट्रलाइज करके लिख सकते है? थोड़ा आसान वे में आप बोलोगे ये लिख दो आप माइनस कॉस टेन इनवर्स टू करके ठीक है और उसके बाद में आती है बात कि यार क्या हम साइन ऑफ आई माइनस को लिख सकते हैं होता होता है sin होता है तो ये लो एज एज इट इट इज इज इनवर्स सो इस तरीके से आप क्या आसानी से यहां पर आंसर निकाल पाए थे इज दैट ओके ठीक है ना हाँ दिखने में थोड़ा सा बदसूरत सा दिख रहा है क्योंकि हम उस एंगल को पहचानते नहीं है टैन इनवर्स वन वगैरह आ जाता तो कब का अपन यहां पर फाइव माइनस फाइव बाई फोर के हिसाब से थ्री फाइव बाई फोर करके निकल ली होते बट ठीक है कोई बात नहीं एटलीस्ट ये बेसिक इलेवंथ क्लास वाला ट्रिग्नोमेट्री तो आता है तो ये क्या हम यहाँ पर फाइनल आंसर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ठीक है ना दिस विल बी द फाइनल आंसर आ गया जी आ गया वेरी वेरी इजी चिंदी हलवा ये कौन सी नई रेसिपी निकली है यार ठीक है चलो आगे चलते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले पे नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा पंगा है इसको ध्यान से करना ये काफी स्टैंडर्ड क्लास रजिस्ट्रेशन होता है क्योंकि इसमें पंगा है ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान से आगे चलते हैं सॉल्व करके देखिए ठीक है एक सेकेंड दो मैंने कुछ गिरा लिया है अपना ठीक है चलिए एनी ओके ओके चलिए सो स्टार्ट करते also, देखो अभी ऐसा लिखा हुआ है मेरे को एक बात बताओ क्या ये पोलर फॉर्म में लिखा है क्या सिर्फ यस और नो में आंसर देना क्या ये पोलर फॉर्म में लिखा है क्या ये आंसर देना जरा ठीक है क्या ये पोलर फॉर्म में लिखा है क्या <laughs> कोई बात नहीं करण वो दिन भी आएंगे जब प्रैक्टिस कर लोगे आप अच्छे से तो वो दिन भी आएंगे कि जब आप मेरे बिना भी बहुत अच्छे से कर पाओगे ऑल राइट साई कह रही है ये लिखा है तनय कह रहे हैं कि नो ये पोलर फॉर्म नहीं है प्रभाकर कह रहा है नो ये नहीं है साई स्वधा कह रही कि यस है ध्यान से देखो हाय मान चौहान चलिए मान चौहान जी आप बताइए मान है अमन है अमन चौहान सॉरी अमन चौहान ये बताइए कि क्या ये पोलर फॉर्म है आगे सिक्स लेकर मुझे सिक्स से कोई दिक्कत नहीं है मोर्ड जी हाँ ठीक है पॉजिटिव नंबर होता है छे होगा शायद अपेक्षा भी यस कह रही है अंदर एक बार एंगल देखो जरा पहली बात तो कॉज थीटा प्लस आई साइन थीटा वो नहीं है वहीं पे मुझे समझ में आ गया ऑल्सो एक और चीज मेरे को बताओ आने मैं इतनी देर से क्या कह रही हूँ कि यहाँ पर अंदर क्या बढ़ना है यहाँ पे अंदर आर्ग्यूमेंट बढ़ना है आर्ग्यूमेंट की एक बार रेंज बताई जाए फटाफट से आर्ग्यूमेंट की रेंज क्या होती है बॉस आर्ग्यूमेंट की रेंज क्या होती है ये तो बताओ क्या हमने उस दिन नहीं देखा था कि माइनस पाए से पाए तक होती है मतलब माइनस एक सौ अस्सी डिग्री से लेकर प्लस एक सौ अस्सी डिग्री तक उसमें माइनस एक सौ अस्सी को अपन ने ओपन रख रखा था कि यार दो दो बार गिन के क्या करेंगे तो ये चीज तो तीन सौ दस डिग्री तो बाहर बैठा है उस रेंज के ये तीन सौ दस डिग्री तो बाहर बैठा हुआ है तो मतलब ये हर तरीके से गपला है हर तरीके से मतलब बकवास लग रही है कि ये पोलर फॉर्म नहीं है तो अब मेरी जिम्मेदारी कि पहले मैं इसको स्टैंडर्ड करूं पोलर फॉर्म बनाऊं और इसीलिए शायद ये मेरे से पूछ रहा है कि भाई इसका असली में मॉडलस और आर्ग्यूमेंट क्या था क्योंकि जब मैं स्टैंडर्ड बनाऊंगी उसके बाद में मैं कमेंट कर पाऊंगी कि हाँ ब्रैकेट के बाहर ये बचा है ये इसका मॉडल है और अंदर ये एंगल कॉस सीटा प्लस आई साइन सी का दिखाई दे रहा है तो उस समय मैं आर्ग्यूमेंट पे कम आ, मतलब यू नो कमेंट कर पाऊंगी तो ये सवाल इसीलिए घपलेबाज है देखते हैं यार कॉस साइन है क्योंकि हमारी मेमोरी वैसे वर्क करती है ना कि यहाँ बाहर कुछ है कॉस है साइन है अरे बीच में तो देख लो अरे एंगल तो देख लो आर्ग्यूमेंट तो माइनस फाइव से पाइव में था ठीक है तो ये सारी चीजें हमको क्या थोड़ी सी ध्यान में रखनी होती है यहाँ पे चलो सो नाउ यू अग्रीड कि इसका आंसर सिंपल सा छीन सो दस डिग्री नहीं है ठीक है अब इन क्वेश्चंस की शुरुआत कैसे करते हैं है। बोले है। में अलग 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 अलग, अलग वैल्यू लूंगा ये करूंगा वो करूंगा तो आर्ग्यूमेंट पे पहले डीलिंग आपको अंदर कॉस प्लस आईसाइन बनाना है ठीक है तो उसको देखो ऑल्सो ये तीन डिग्री क्या होता है यार ये तीन डिग्री कौन से इलाके में पड़ता है तो आप कहोगे यार इट इज समवेयर ओवर हियर ये होता है तीन सो दस डिग्री कैसे बोले आप ऐसे घूम के आओगे तो ये है प्लस तीन सो दस डिग्री हमने कहा okay, अरे यारो दस डिग्री को कुछ बेटर नहीं लिख सकते क्या तीन सो दस डिग्री को कुछ बेटर नहीं लिख सकते क्या बोले क्या लिखोगे हमने कहा कि यार माइनस पचास ही लिख, लिख लिए होते बेटर नहीं लगता थोड़ा सा थोड़ा सा आई थिंक सो बेटर हो जाता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे ट्राई करूंगी कि यार तीन सो दस डिग्री की जगह ना मैं माइनस पचास डिग्री एक बार लिख करके देख लू क्योंकि है तो देखो सेम बात तो कोई मना नहीं कर सकता फायदा क्या हुआ इसका वो देखते हैं कॉज ऑफ माइनस फिफ्टी कॉज इवन फंक्शन उस बेचारे को फर्क ही नहीं पड़ रहा अंदर क्या है ठीक है बैठो भैया साइन बोले साइन ऑड है अगर साइन ऑड है तो ये अपना माइनस बाहर भेजेगा ये बाहर भेजेगा और ये एक और माइनस तो मिलकर के कितने हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे सो प्लस आई साइन फिफ्टी डिग्री हो गया तो मेरे को एक बात बताओ कि अब क्या हम स्थिति में है कि हम कॉमेंट कर सके कि ये भैया जी कौन है क्या अब हम इस स्थिति में है कि ये कॉमेंट कर सके कि अब क्या है क्या अब आर्ग्यूमेंट बताया जा सकता है और मॉडल बताया जा सकता है यहां से क्या ये स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में आ चुका है इस समय आ चुका है तने कह रहे हैं हाय मनीष ऑल राइट तने कह रहे हैं ओके 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 हाँ अश्मित बताओ क्या प्रॉब्लम है ठीक है तो अब मैं कमेंट कर देती हूँ कि हाई आर नाउ इट इज लुकिंग लाइक मॉड जेड एंड कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा थीटा आर्ग्यूमेंट है आपको उस रेंज में चाहिए था मेरा पचास उधर लाइक करता है कहानी खत्म सो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू सिक्स एंड थीटा या आर्ग्यूमेंट जो भी आप कह लो आग जी भी कह सकते हो इसको दैट इज इक्वल टू फिफ्टी डिग्री फिफ्टी डिग्री को कन्वर्ट करना हो पाए वगैरह में तो कर लेना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है डेट्स अब रिलीज होने वाली है जैन में हाँ मोस्ट प्रॉब्ली तो नहीं होगा फैन फन है ना दैट्स वॉट वी आर होपिंग ठीक है क्योंकि अब सेंस ही बनता है ना आज कितनी पंद्रह तारीख हो गई आज तो पंद्रह तारीख को आप दोगे तो कम से कम एक महीना तो फॉर्मेलिटी में लग जाते हैं ना नोटिस आता है फिर रजिस्ट्रेशन खुलता है फिर आप करते हो रजिस्ट्रेशन उसमें भी साथ एक दिन तो देने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी डालने पड़ते हैं ना उसमें तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा फिर करेक्शन विंडो होती है फिर एडमिट कार्ड होते हैं तो वो सारी चीज़ों में टाइम लगता है तो मेरे ख्याल से तो अभी फिर हो हो नहीं पाएगा मैनेज अच्छे से ठीक है दैट दैट्स वॉट माई अजम्पन इज ठीक है सो so, उस हिसाब से मतलब इसको बेसिकली अप्रैल में ही करना ठीक रहेगा अप्रैल में एंड देन जून में कर लेंगे बट क्या अप्रैल की शुरुआत में हो जाएगा ये फर्स्ट सेकेंड वीक में फिर मे में भी फर्स्ट सेकेंड वीक में एंड एडवांस में भी यू कैन थिंक ऑफ मे लास्ट वीक और जून फर्स्ट वीक में ठीक है ओके okay. ठीक है चलो आगे चलते हैं अब यहाँ से नेक्स्ट वाले सवाल पे इसमें भी एक ट्विस्ट है इसमें भी एक ट्विस्ट है ट्विस्ट वैसे वो तो मुंह पे दिख रहा है कि हाँ यार आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो नहीं दिया रियल पार्ट को अगर मैं देखू तो ये पूरा रियल है और ये हाँ आई वाला पार्ट यहां पर इमेजनरी वाला पार्ट है इसको भी आपको स्टैंडर्डाइज करना है एक बार स्टैंडर्ड पोलर हो जाएगा तो फिर मैं मॉडल और आर्गुमेंट पे कमेंट कर पाऊंगी फटाफट से स्टार्ट करो ऑल्सो आई होप कि अगर जिसने मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसको याद होगा कि वन प्लस कॉस की जोड़ी काफी फेमस है वन प्लस कॉस को हम हमेशा कैसे लिखते हैं टू को स्क्र हाफ एंगल यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ टू को स्क्र थ्री पाई बाई फाइव के बराबर ठीक है सो दैट इज अंट आई एव गिविन टू यू अब फटाफट फड़ से सॉल्व करो टू कॉस पर थ्री पाइव बाय फाइव एंड सिंस इसको अपन ने आधा कर लिया है तो ऑब्वियसली इसको भी अपन कर ही लेते तो टू आ जाएगा साइन आ जाएगा थ्री फाइव बाय फाइव के साथ और कॉस आ जाएगा थ्री फाइव बाई फाइव के साथ ठीक है ना चलो अब ये थोड़ा सा मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है ऑल्सो आई नो कि इस मौके पे वैसे लोग टू कॉस थ्री फाइव बाय फाइव को कॉमन ले लेंगे ले लो कोई दिक्कत की बात नहीं है अंदर अभी भी आपका कॉस ऑफ थ्री फाइव बाय फाइव प्लस आई साइन थ्री फाइव बाय फाइव बचेगा लेकिन अब वापस से सवाल वही है बॉस वापस से अब सवाल वही है कि क्या इस मौके पे थ्री पाई बाय फाइव को आर्गुमेंट बोल देना ठीक होगा या फिर नहीं होगा इस पे कमेंट करके बताओ ठीक है थ्री पाई बाय फाइव का आर्गुमेंट बोलना सही होगा या गलत होगा ये बताओ हाँ जी अश्मित कह रहे हैं कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है राइट नहीं तो वो प्रैक्टिस से ही आपकी सॉल्व हो पाएगी और राइट उसका और कोई चारा नहीं होता मैथमेटिक्स में देखो यू हैव टू प्रैक्टिस और जो जो आपको जहाँ जहाँ पे आप अटकते हो फॉर्मूला याद नहीं है या कंडीशन नहीं समझ पाए कि अच्छा यहाँ पर तो ये लगाना था तो उनको आप नोट करते जाओ अपनी जो भी आपकी प्रैक्टिस की किताब रहती है ना कि किताब के इन द सेंस किताब में कम जगह होती जो आप जहाँ पर प्रॉपर अच्छी तरीके से सॉल्व करते हो नोटबुक में नोट कर सकते हो डब्बा बना कर के साइड में लिख दो कि यार ये ऐसे था तो उसको एक बार बैठ के हफ्ते में देख लिया करो पंद्रह बीस मिनट तो आपको याद रहेगा कि हाँ यार ये ये चीज़ें लगती है सवालों में ठीक है ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस पी वाई क्यू अगर आप जेई ट्वेंटी थ्री के बच्चे हो तो अभी एग्जाम पास में आ रहा है तो पी वाई क्यू लगा सकते हो आप जेई ट्वेंटी ट्वेंटी टू के ट्वेंटी ट्वेंटी वन के तो उससे भी आपका एक बहुत अच्छा खासा मतलब मेन मेन क्वेश्चन जिस तरीके के पूछे जाते हैं एटलीस्ट वो प्रिपेयर हो जाएंगे बाकी गेम चेंजर भी चल रहा है उससे भी कर सकते हो ठीक है चलिए थैंक यू बिलीवर ऑल राइट सो फटाफट से एक बार सॉल्व करके देखिए सॉल्व करके देखिए मतलब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ठीक है अच्छा किसी को अच्छा कोई कितने लोग ऐसे हैं जो अभी कंक्लूड करना चाहते हैं कि मैम थ्री पाई बाई फाइव आर्ग्यूमेंट है कितने लोग ऐसे हैं जो कंक्लूड करना चाहते हैं कि थ्री पाई बाई फाइव आर्ग्यूमेंट है भैया और मैम आगे बढ़ जाओ हाउ मेनी ऑफ यू स्वधा नो no कह रही है साइन नो no कह रही है ओके वॉट अबाउट अदर्स बट नो क्यों कह रहे हो अच्छा नहीं देगा रहा कितना तो सुंदर सा दिख रहा है और थ्री पाई बाय फाइव तो इस बार लाइव ही करता है ना माइनस पाई से पाए में तो क्या दिक्कत हो रहा है आपको क्या दिक्कत हो रहा है करण कहना चाहता है हाय रोमाना कोई बात नहीं अनिग्ड कहना चाहते हैं नो हाँ प्रभाकर आप क्या कह रहे हो क्या दिक्कत हो रहा है आर्गुमेंट तो सही लग रहा है रेंज में मेरे को तो ठीक लग रहा है करण राजा जी यस कह रहे सुरक्षा यस कह रही है स्वधा व्हाट अबाउट यू नो क्यों कह रहे हो क्या क्या घपला है ठीक है घपला ये है बॉस की कॉस थ्री पाई बाय फाइव करता है

तो मॉर्ड जेड को यार मैं नेगेटिव बोलूंगी ऐसा अच्छा लगेगा क्या बकवास नहीं हो जाएगी थोड़ी सी तो मतलब यहाँ पे भी मैनिपुलेशन का ज़रूरत है जो चीज़ें ऊपर से इतनी क्यूट दिखती है ना असली में कभी कभी जानलेवा निकल जाती है ठीक है सो so, ये थ्री पाई फाइव ने पंगा कर दिया यार आर्ग्यूमेंट की तरफ से नहीं किया इस बार मॉर्ड की तरफ से खा गया अपन को तो दिक्कत हो रहा है अभी तो अब यहाँ पर मॉडिफिकेशन मेरे को चाहिए आपसे ठीक है अब यहाँ पे फटाफट -फड़ से एक मॉडिफिकेशन करके बताइए मॉडिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हो ये बताओ मॉडिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हो ये बताओ ठीक है क्या मेरे को इस एंगल को रीराइट करना चाहिए जैसे थ्री पाई बाय फाइव को पाए माइनस टू पाई बाय फाइव भी लिखा जा सकता है वो एक तरीका है लेट एस ट्राई इफ इट वर्क्स और नॉट अदरवाइज और भी अपने पास में सोचने के लिए चीजें हैं अभी जैसे ये लिख लिया मैंने थ्री पाई बाय फाइव को पाए माइनस टू पाई बाय फाइव लिखा कोई गलती तो नहीं की है मैंने कॉज ऑफ थ्री पाई बाय फाइव को भी आप ये लिख दो पाए माइनस टू पाई बाय फाइव प्लस आई साइन बोले क्या फायदा हुआ भैया ये करने से हमने कहा देखो देखो एक बात सुनो यहां पर टू है ठीक है ऑफ तो इसका क्या करना है टेंशन लो कॉज ऑफ पाए माइनस सीटा सेम टू तो पॉजिटिव ही होता है मतलब की वैल्यू याद कर रखी है ठीक है साइन ऑफ आए माइनस टू प्लस हाँ रूट और रूट नहीं नहीं वो नहीं होता है और हो भी नहीं सकता ना मतलब टू प्लस रोड थ्री तो कैसे होगा अच्छा अब ये आ गया अब ये तो हर बच्चा देख लेगा कि यार बाहर माइनस नहीं चलेगा बाहर तो मोड आता है पॉजिटिविटी होती है बाहर तो ये माइनस माइनस सब अंदर भेजो अंदर भेजो जरा अंदर भेजोगे तो क्या होगा कॉस टू पाई बाय फाइव हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे माइनस आए साइन टू पाई बाय फाइव हो जाएगा अब वापस एक बार थोड़ा सा असेसमेंट करते हैं कि भाई क्या हाल चाल है

आप यहाँ पे प्लस चाहते हो तो उसको अंदर भेज दो हमने कहा क्या फायदा यार ऐसे ऐसे कौन करता है कि बाढ़ नीचे तो अंदर भेज दो ठीक है टू टू पाए तो बोले कि अंदर भेज के एक फायदा जरूर होगा आपको एक तो यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा एक यहाँ पे आपका आप इसको माइनस टू पाई बाय फाइव लिख सकते होना क्योंकि माइनस टाइम्स ऑफ साइंस ऑफ माइनस हमने कहा कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई टू बाई बाई फाइव वो माइनस टू बाई बाई फाइव कैसे हो सकता है बोलते हैं इसकी क्या टेंशन है कॉस सीटा और कॉस ऑफ माइनस सीटा तो सेम होता है ना तो आज आप ऐसे लिखो या आप ये कॉज के साथ में भी माइनस ऑफ टू बाई फाइव लिख दो क्या फर्क पड़ता है कॉस तो वैसे भी बुरा नहीं मानता ना बेचारा इवन फंक्शन है वो बोलता है यार कर दो यार कोई दिक्कत नहीं ये कर दिया मैंने अब बताओ बाहर की चीज मॉडुलस होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए है अंदर कॉज सीटा प्लस आइट साइन सीटा है वो थीटा आर्ग्यूमेंट होता है क्या वो माइनस पाई से प्लस पाई के अंदर में पढ़ता है यस yes, बॉस पढ़ता है मैंने कहा अब शांत हो जाओ आंसर आ गया ये है अब आपका मॉडसी वाला पार्ट व्हाट इज इट ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ टू पाई बाईव एंड कॉस ऑफ टू पाई बाई फाइव आप आराम से लिख सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं यू नो द वैल्यूज ऑल्सो और यहाँ के बेसिस पे थीटा या फिर आर्ग्यूमेंट जो आप कहते हो आग जी जिससे रिप्रेजेंट करते हो आप उसको आप माइनस टू पाई बाई फाइव लिख सकते हो उसको आप क्या लिख सकते हो माइनस टू पाई बाय फाइव लिख सकते हो सो नाउ इट इज फाइनली इन प्रॉपर पोलर फॉर्म ठीक है ये एक अच्छा फाइनलाइज पोलर फॉर्म है ऑल राइट सो इस तरीके से भी इसको यहां पर किया जा सकता था और और क्या कर सकते हैं इसके अंदर और कुछ करने का वैसे मन तो नहीं है ठीक है मैंने वैसे हाँ. तरीके से किया है हाँ, बताऊं क्या हाँ,

तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ ऐसे करता था क्योंकि हमारे हमारे टाइम पे हम अल्टरनेट अल्टरनेटिंग करंट था ना हाँ। उसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फेजर से करते थे अच्छा। तो मुझे फेजर अच्छा लगता था कॉम्प्लेक्स नंबर का टेक्निक अच्छा लगता था मुझे हमेशा से ऐसा लगता था जेड लिखा है वहां पे अगर येड लिखा है तो मैंने बट इसकी एक और टेक्निक बताने वाली हूँ बना के ना ट्राइंगल आप बता देना छोटी सी टेक्निक बताऊंगी उससे मेरा देखो ये तो मोड आ गया ना आपका हाँ ये था निकाल ही ना, मैंने, मैंने हाँ, की हाँ, 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 तो जो चीज थी ना अपनी पॉजिटिव बनाया अच्छा इसको लोग एक और तरीके से भी अपना सोच लेते हैं ठीक है एक तो टू पाइव फाइव की जोड़ी तो खैर दिख ही नहीं थी इसको और तरीके से भी क्या सोचते है ठीक है सो एम टू आज तो बस वो वेबसाइट अपडेट हुई है और कोई वो नहीं अभी लिखा है है पहले से लिख रहा कि नहीं अभी तो कुछ कुछ और बच्चे थे वो पूछ रहे थे कि कब आएगी रुको रुको मैं चेक ठीक है एंड कॉस प्लस आये ठीक है ये इसका एम टू है अब ये कैसा आया वो भी सोचो किसी ने फिर से वही दिमाग लगाया कि यार बाहर वाली चीज नेगेटिव है अब लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है लो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया हम भी वही बंदरबाजी ठीक है कि चलो इसको यहाँ पर एक माइनस दे देते हैं अब मेरे को एक बार बताओ कि माइनस टू को नहीं है ये पॉजिटिव है आपको अच्छा लग रहा है ठीक है इसको बैलेंस करने के लिए इसको भी नेगेटिव दूंगी इसको भी नेगेटिव दूंगी तो भाई दोनों ले लो नेगेटिव नेगेटिव अब ये पूरा का पूरा अभी बैलेंस्ड है अब यहां पर मेरे को इसको टच नहीं करना क्योंकि यार ये पॉजिटिव है आई डोंट वांट टू टच इट तो फिर इसको टच करो आप तो फिर इसको सही करो ठीक है इसको स्टैंडर्ड बनाओ अगर आप चाह रहे हो कि यार मैं इसी को आंसर दूं एंड में तो ठीक है

तो यहाँ पे अगर आपको एक छोटी वैल्यू चाहिए तो मैं टू पाई हटा दू इसमें से एट पाई बाई फाइव है ना एक तो तरीका हो गया कि यार मैं इसको प्लस पाई तो थ्री पाए थ्री पाए तो करके आए थे मरने तो इसको क्या मैं टेन पाए माइनस टू पाए होल अपॉन फाइव टाइप का ट्रीट कर सकती हूँ आप बोलोगे हाँ वो कर सकते हो आप वो कर सकते हो आप तो ये भी एक तरीके की मतलब वो हो गई यार कि मतलब आप ट्राई कर रहे हो धीरे 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 करते करते आप जैसे तैसे कंक्लूड हमेशा करोगे ठीक है सो यू कैन ऑलवेज राइट दिस एज

बस ये ये यहीं तक का है है ना एट पाई बाई फाइव को मैंने टेन पाई माइनस टू पाई ट्रीट किया और टू पाई तो आपको पता ही है टू पाई की तो हम कुर्बानी किस लेवल पे देते हैं वो तो आप सब जानते ही हो ठीक है तो पाई को जैसे आप पे इग्नोर करोगे ना आपको क्या देखा कॉज ऑफ माइनस टू पाई बाय फाइव प्लस आई साइन माइनस टू पाई बाय फाइव क्या हम इतनी देर से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहे थे कि हाँ इसका आर्ग्यूमेंट माइनस टू पाई बाय फाइव आना चाहिए राइट तो कैसे ना कैसे करके आ गए क्यों आ गए मैंने कहा मेरी दो ही जिद है एक में कभी नेगेटिव होने नहीं दूंगी हमेशा पॉजिटिव दूसरी आर्ग्यूमेंट कभी भी माइनस पाए और पाए के दायरे को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता okay. दो जिद के कारण हमने यहाँ पर निकाल दिया नहीं करेंगे ठीक है तो अब आप अपना एम थ्री यहाँ नॉट श्योर बट आप मुझे अरे 2 ऑफ

तो यार ये मेरा x कोऑर्डिनेट होता था मुझे हाँ, नहीं पता क्या है ना यार ये मेरा y कोऑर्डिनेट है तो हाँ, मैं इसको ना प्लॉट कर दूंगा फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव ये नेगेटिव आएगा तो खुद वो खुद नेगेटिव हो जाएगा है ना अपन अपन इतना दिमाग आंसर उसके टर्म्स में आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ ठीक है अब बस देख ला अभी बस तुम लोग देखना कि मैं क्या हूं इससे आंसर आए नहीं आए मुझे नहीं पता सच बता रहा हूं आप फिजिक्स वाले बंदे हैं ठीक है ना ठीक है अब देखो ध्यान

अब ना मेरे को है। पता है यार ये तो, तो ये tan θ 2 आ गया थीटा टू sin θ 2 हो जाएगा और tan θ 2 आ गया सिंपल हां 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 हाँ। हाँ। है ना तो बट उससे आंसर कैसे आएगा वो आपको बताना पड़ेगा ठीक है tan θ is equals to तो आपने tan θ 2 लिखा है तो tan alpha alpha लिखो उसको alpha है आपका आंसर ना alpha ये alpha है ओके है ना ये एंगल होता है ना विद द पॉजिटिव एक्सिस हां हां ये खुद बखुद नेगेटिव आना चाहिए आपका भी नेगेटिव आया था tan थीटा 2 आ गया cos थीटा बाय 2 स्पेशल लिख दो और नीचे 2 cos थीटा 2 लिख दो काट दो tan थीटा 2 आ गया

मतलब हाँ, मेरा दिमाग, को वो सारे आते नहीं, नहीं तो फिर मैं काम करती ना? हाँ, ये अब वो निकाल दिया तो हमारा भी है ये हमारा भी आर्ग्यूमेंट क्या है आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो पहले क्वार देख लेते हो एक बार ताकि पता पड़ जाए की यार थीटा लगाना है पाए माइनस सीटा माइनस पाए प्लस सीटा या माइनस सीटा करेक्ट

ये। ठीक है सो so पॉजिटिव हो गई और ये चीज आपकी नेगेटिव हो गई तो यहां से आप ये पहली बात तो बोल सकते हो कि यार आप ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बातें करते हो तो आपका आर्ग्यूमेंट यहां से माइनस ऑफ थीटा आना चाहिए और थीटा आप कैसे निकालते हो टैन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ वाई बाइस करके निकालते हो जो कि अभी अभी अपना कितना आया था टैन इनवर्स ऑफ कितना आया था ये टैन ऑफ थ्री पाई बाई फाइव आ गया था उस समय ठीक है लेकिन

तो ये टैन इनवर्स टैन ये सब बकवास ये मेल्ट डाउन हो जाती है आपका आंसर आना चाहिए था लेकिन जब आप कहीं और हो आपकी ना कुछ और इक्वेशन यहाँ पर बनने लग जाती है है ना जैसे जैसे आप अलग 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 अलग, अलग इंटरवल्स में पहुंचोगे ना आपकी अलग 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 अलग, अलग, अलग इक्वेशंस बनने लग जाएंगी दैट इज द प्रॉब्लम अब वो चीज आपको, आपको क्लास इलेवेंथ में नहीं आती ना वो चीज आपको अभी क्लास इलेवेंथ में नहीं आती है दैट इज द इशू राइट नाउ ठीक है ना सो दैट इज वाई अभी के लिए इस मेथड को इग्नोर करते हैं इसको आप फिर भी क्या हो गया भैया कुछ गिर गया क्या हमारा? नहीं तो इसको आप अभी क्लास ट्वेल्व के लिए मान सकते हो इसको अभी इग्नोर इग्नोर करो इन क्लास 11। क्योंकि आपको अभी ये पूरे ग्राफ और टैन इन वर्स एक्स वगैरह के नहीं आते ठीक है चल कहाँ गया यार मेरा क्लिक कर कहाँ गया नमो सर क्लिक कर तो दे जाओ मेरे पास है हाँ एक सेकेंड दो नमो सर आप बना रहे हो ना ओके okay. चलो हाँ यार तो जैन की सही में दे दी ज्यादा कर दिए उन्होंने चलो ठीक है सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड ठीक है विथ यूलर्स फॉर्म अगेन सो क्या बोलते हैं अपना काफी अच्छा एक हेल्दी डिस्कशन हो गया तो बाय चांस अगर कोई ये वाला राउट ले रहा था तो उसको पता पड़ गई कि उसकी गलती कहाँ कहाँ पे हो सकती है यहाँ पर uh, यूलर्स फॉर्म और साथ ही साथ सॉरी यहाँ पे मॉडलर्स की तरफ से और आर्ग्यूमेंट की तरफ से आप दोनों की तरफ से मर सकते हो ठीक है ना चलिए अब नेक्स्ट वाली चीज पर चलते हैं विच यूलर्स फॉर्म अब यूलर्स फॉर्म क्या होता है ये बिल्कुल पोलर फॉर्म का भाई है क्यों भाई क्यों है दोनों की खुराक एक है ये भी यही बोलता है कि यार आप मेरे को मॉडलर्स दे दो मतलब आर्ट दे दो या मॉडजी दे दो ठीक है और साथ ही साथ में ये भी यही कहता है कि यार आप मेरे को आर्ग्यूमेंट दे दो या फिर थीटा दे दो पोलर फॉर्म में हम क्या करते थे मॉड कॉसिटा प्लस आईसाइन थीटा लिखते थे यहाँ पर लिखते हम आर टाइम्स या मोर्डी टाइम्स e की पावर आई थीटा करके हम इसको लिखते हैं क्या फायदा है बॉस इसका करने का तो बोले कि यार e की पार आई थीटा तो ऐसा लग रहा है कि आपने कॉस्ट साइसाइन की जगह लिख दिया सो यस दैट इज एब्सोल्युटली राइट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की जगह ही हमने e की पावर आई थीटा लिखा है बाहर का मॉड या आर जो भी आप कह रहे हो वो अभी भी सेम है एंड दैट इज स्टिल इक्वल टू जेड तो इसीलिए यूलर फॉर्म पोलर फॉर्म काफी ज्यादा भाई भाई तरीके का ही है कॉन्जुगेट के अंदर में क्या होता है बोले यार कॉन्जुगेट में कुछ नहीं होता मॉडल तो देखो आपका सेम ही रहता है ठीक है फर्क सिर्फ इतना आता है कि यार अगर कोई चीज एक्स कॉमा वाई थी तो अब ये चीज कॉमा माइनस वाई हो जाती है तो अभी ये चीज क्या हो जाती है आपकी कॉमा माइनस वाई हो जाती है मतलब बोले कि अगर आर्ग्यूमेंट वैसे थीटा होता था तो अभी आर्ग्यूमेंट कितना हो गया माइनस थीटा हो गया तो हमने कहा वेरी नाइस वेरी नाइस हम, nice, nice. हम यहां पर कैसे लिख देंगे आर e की पावर माइनस आई थीटा कुछ इस तरीके का लिख देंगे बोले लास्ट टाइम भी अपन ऐसे करते थे कि हमने कहा यस yes, बिल्कुल करते थे आप देखो ना कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा देखो ना आर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा क्या हमने लास्ट टाइम भी यही लिखा था यही बोल के दोनों का एक्स कॉर्डिनेट सेम रहता है और दोनों के वाई कोडिनेट में बस नेगेटिव का फर्क आता है वो प्लस टू तो ये माइनस टू वो माइनस टू तो ये प्लस टू ठीक है सो एग्जैक्टली द सेम थिंग है बट एक चीज इसमें बहुत अच्छी है वाई डू आई लव यूलर फॉर्म इज बिकॉज अरे भाई इनको किसने जगा दिया ठीक है सो so, यहां पर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो e की पावर i थीटा एक्सपोनेंट्स एक्सपोन का टर्म आप बोलोगे यार एक्सपोनेंट्स हम क्लास एट्थ वेट से पढ़ते आए हैं हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी पढ़ी है आज की तारीख में कॉम्प्लेक्स नंबर में वो सब एप्लीकेबल हो चुकी है आप कहते हो ना जो ये वाली छोटी छोटी सी प्रॉपर्टियां नहीं होती थी ए की पावर एक्स ए की पावर वाई ए की पावर एक्स प्लस वाई होती है ये हो गई एप्लीकेबल आज लगा लो इसको कैसे लगा ले हमने कहा ये देखो ना यार ई की पावर आई थीटा अगर कभी हुआ और उसको अगर आप इ की पावर आई फाइव के साथ में मल्टीप्लाई करने लगे तो मैं तुरंत बोल दूंगी कि आप दोनों पावर्स को ऐड कर दो पावर्स में दोनों में आई है तो आप चलो आए कॉमन लेके इस तरीके का लिख दो कल को आप बोलोगे कि यार हमको दोनों चीजों को डिवाइड करना है मैं बोल कि हाँ पावर्स को सप्रैक्ट कर लो पावर्स को सप्रैक्ट कर लो ठीक है सो ई की पावर आई थीटा ई e की पावर माइनस आई फाइव ये लो थीटा माइनस फाइव आई ठीक है so, सो आज ये सब कुछ एप्लीकेबल हो गया आप कहोगे कि यार ए um, की पावर एम की पावर एन अगर होता था तो हम ए की पावर एम एन लिखते थे हाँ ठीक है यहाँ पे भी करो ए e की पावर आई थीटा का क्यूब कोई बोल दे आप तुरंत बोल दो ए e की पावर थ्री आई थीटा या कोई बहुत अच्छे डिसिप्लिन लोग हैं तो आई टाइम्स थ्री थीटा कि यार इसका तो मैम आर्ग्यूमेंट अब थ्री थीटा हो गया है ना तो ये सारी चीजें आपके यहां पर अप्लाई करने लग जाएंगे तो इसको आप डेफिनेटली नोट करें कि यूजर्स फॉर्म का प्लस पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे एक्सपोनेंट्स के लॉज हुआ करते थे वो सारे अब एप्लीकेबल हैं, ठीक है ठीके? जैसे जीरो आप लगा देते थे पावर जीरो करते थे तो क्या बोलते थे वन तो इस हिसाब से तो ई की पावर जीरो भी वन होता था बट क्या अभी ये इसका मैम सेंस बनाता है मैं हाँ बिल्कुल सेंस बनाता है क्यों नहीं बनाएगा आज कॉस जीरो, जीरो, तो जीरो प्लस आई साइन जीरो आ जाएगा आई साइन जीरो, जीरो तो जीरो होता है कॉस जीरो वन होता है तो देखो ना ए की पावर जीरो तो अभी भी वन ही आ रहा है ना वन ही आना चाहिए था हमेशा से सो सारे के सारे एक्सपोनेंट्स के जो लॉस थे वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर अप्लाई होंगे दैट इज वाई यूजर इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर्म जे के काफी सारे सवाल जिसमें स्पेशली मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़े बड़े एंगल की छलांगे मार रहे हो मतलब थीटा से शुरू करके कभी कोई थ्री थीटा फाइव थीटा फिफ्टीन थीटा हंड्रेड थीटा पहुंच गया वो पक्की बात है इतनी छलांग तो आप यहीं से मार सकते हो एक्सपोनेंट्स के थ्रू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ राइट सो यही सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करती हैं सो आई होप कि आपको ये चीज so समझ में आ गई है हाई कृष्णा ठीक है सो ये चीज आपको समझ में आई ठीक है अब यहां पर आते हैं कि यार आ, सीरीज एक्सपेंशन आप ऑल दो क्लास ट्वेल्थ में पढ़ती हो लिमिट्स के चैप्टर में लेकिन हाँ टेलर्स थ्योरम वगैरह से इन काफी सारे यू नो ये जो ई e की पावर एक्स और इस तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं इनके पॉलिनोमियल फॉर्म निकाले गए थे पॉलिनोमियल फॉर्म मतलब एक्स ले लिया एक्स की कोई पावर वगैरह लगा दी अच्छी खासी इंटीग्रल पावर या यू you नो know, जीरो वीरो टाइप की लगा दी मतलब नेचुरल नंबर या होल नंबर टाइप की पावर लगा दी और साथ में कुछ कुछ कोईफिशन डाल दिए पॉलीनॉमल की वही होती थी डेफिनेशन नो नेगेटिव पावर नो फ्रैक्शनल पावर वो सब हम कहा करते थे उस समय भी सो so, एक e की पावर एक्स के एक्सपेंशन पे जब काम किया गया था तब इस तरीके का काम हुआ था कि इसका एक्सपेंशन बहुत प्यारा निकल करके आया था बोले कि यार बहुत सारे एक्स के टर्म्स होंगे और जितनी पावर होगी ना एक्स की डिनोमिनेटर में उतना ही फैक्टोरियल होगा एक्स की पावर जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल एक्स की पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल एक्स की पावर टू अपॉन टू फैक्टोरियल थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल इनफैक्ट इसका जनरल टर्म भी फिर आप आसानी से बोल सकते हो कि एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल और पूरा ऐड कर दो और ये इनफाइनाइट सीरीज चलती है इनफैक्ट जो जैसे ई की वैल्यू हमको पता है ना ने पी कॉन्स्टेंट की टू होती है आज आप इसमें एक्स को वन डाल दो आज आप इसमें एक्स को वन डाल दो देखना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ right uh, okay. uh, so, uh, तो से वन प्लस प्लस वन बायर फैक्टोरियल एंड हाँ जीव लाइट नाज ऑल्सो हाँ जी सी दिस हाँ तो जनवरी की डेट्स आ गई है तो मेरे ख्याल से पहली चीज तो आज पैनिक करने की जरूरत नहीं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाई बिकॉज क्लास ट्वेल्थ में अगर आप देखोगे या ड्रॉपर्स का भी देखोगे तो लगभग हमारे uh, सारे बैचेस में सारे क्लासेस में जे वगैरह में भी सिलेबस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड गेम चेंजर सीरीज आपकी डेफिनेटली अभी एंड हो जाएगी है ना डिसम्बर लास्ट वीक में या जनवरी फर्स्ट वीक मैक्स में उसके बाद में हम पूरा रिविजन भी अच्छी तरीके से करने वाले हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो मतलब डेट्स थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से जल्दी आ गई बट दिक्कत की कोई बात नहीं है यू आर स्टिल वेरी वेरी वेल प्रिपेयर स्पेशली क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चे जिनके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे हैं आई वुड नॉट सजेस्ट मुझे आप कॉन्शियस कॉल लो कि बोर्ड्स पे कितना टाइम देना और जे पे कितना एक चीज yeah. बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे यार uh...

11 से <coughs> I will be live on the इसके बाद

कुछ नेगेटिव नहीं नहीं, नहीं, नहीं आंसर बता दिया मैंने उनको उससे भी तो, हाँ वो वो उस फॉर्म में लाना पड़ेगा थोड़ा लंबा है, है उसमें उस क्या वो बड़े बड़े कौर्ण में कौर्ण दिमाग लगाया जा सकता है क्योंकि अगर आप वो एंगल से देख लोगे ना कि यहाँ पे साइन नेगेटिव है पॉजिटिव है तो आप क्वार निकाल के कर सकते हो की कौन सा बाला करना है राइट मतलब वो वो दिमाग लगाता था मैं मुझे याद है हाँ बस वो मैथ्स वाले में केपेबल नहीं थे हम उसको वैसे कर लेते थे है ना चलो ठीक है तो आगे चलते हैं और यहीं पर ये भी चीज जो है कि यार ई e की पावर आई थीटाटा थीटा प्लस आई साइन थीटा तो इस चीज को भी आप यहां से बहुत अच्छे से देख सकते थे कि यार जब ई e की पावर एक्स का एक्सपेंशन कोई बोल के गया कि वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल एक्स स्क् अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन ठीक है यहां पर जब किसी ने ई e की पावर आई थीटा सोचा तो उसने एक्स की जगह आई थीटा रख दिया सो आई थीटा अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस आई क्यूब थीटा क्यूब अपॉन यार ये थ्री कहाँ गया हाँ अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस आई की पावर फोर थीटा की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन लेकिन अब हमको तो आता है ना यार हमको तो आता है आई की पावर सिंप्लीफाई करना तो अपन करते हैं ना वन ठीक है आई थीटा अपॉन वन फैक्टोरियल ठीक है I square, I square minus one होता है, so minus theta square upon two factorial, है ठीक बॉस। I cube, मैंने कहा तो उस हिसाब से माइनस आई थीटा क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल हो गया प्लस थीटा की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल हो गया एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इससे फायदा क्या हुआ मैंने कहा इससे ये फायदा हुआ कि आप जो ये कहते रहते हो ना कि यार ये कॉस्ट कस आई साइन की जगह लिखा यही तो पोलर और यूलर फॉर्म में फर्क है या ऑयलर फॉर्म कहते हैं वैसे इसको पोलर और आइलर फॉर्म में फर्क है तो फिर क्या हुआ यहां से मैंने कहा हुआ कुछ नहीं आप ये देखो आज लेफ्ट हैंड साइड पर रियल टर्म क्या थी कॉस्ट थी इसमें आई नहीं था क्योंकि राइट हैंड साइड पर कौन थी मैंने कहा एक तो वन थी एक ये थी इसमें आई नहीं था एक ये थी इसमें आई नहीं था मतलब कौन कौन सी वन थी

और इस तरीके से पोलर और ऑयलर फॉर्म के अंदर आप बहुत आसानी से इधर का उधर कर सकते हो ये चीज यहाँ पर भी वापस तो मेंशन कर दी है। एक सेकेंड दो कुछ सेटिंग में गड़बड़ हुई है क्या इसके एक सेकेंड दीजिए क्या हमारा माइक बार 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 अड़ अड़ के ना बेचारा निकल गया हाँ जी ठीक है तो ये चीज आपके यहाँ पर हो गई अब नेक्स्ट जो चीज आती है नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज के अलग अलग थीटा के लिए क्या बनेगा अब जैसे अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू जीरो रखते हो तो क्या होगा ए की पावर आई थीटा आपका कितना बनेगा आप बोलोगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी वन क्या ये वन बननी चाहिए थी आप कहोगे बिल्कुल बननी चाहिए थी अरे अगर आर्ग्यूमेंट आपका जीरो डिग्री है तो मतलब आप तो यही बैठे हुए हो आप तो एक्स एक एक्सिस पे बैठे हो एक्स एक एक्सिस पे बैठे हो तो पहली बार तो आपकी इमेजनरी पार्ट आना नहीं चाहिए हाँ बॉस नहीं आया और उसके अलावा आपका ये वन आके आप इसमें आप मॉडजेड लगा दो आपको जितना चाहिए तो उतना लंबा आपका यहाँ पर लेंथ आ जाएगा एक एक्सिस पे मॉडजेड टू बोलोगे तो भैया आप टू कॉमा जीरो पे बैठे हो आप थ्री बोलोगे तो थ्री कॉमा जीरो पे बैठे हो तो वो चीज तो मैनेज हो जाएगी उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है अब जैसे अगर कोई बोले कि यार थीटा पाई बाय टू होता तो आज आप खुद बताओ थीटा पाई बाय टू होता तो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पाई बाय टू मतलब आप यहां पर कहीं बैठे हुए विच इज जीरो प्लस आई साइन पाई बाय टू साइन पाई बाय टू इज वन सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है आई आ जाती है आपने कहा हा यार कितना सही है ये तो जीरो प्लस आई यानी कि जीरो कॉमा वन टाइप का फील होता है अरे हा यार कल को मेरे को बनाना पांच तक आना तो जीरो कॉमा फाइव, तो फाइव आई कर देंगे मॉड को फाइव कर देंगे अपन तो लेकिन हाँ ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए लेती हूँ तो बोले पाए लेने में क्या है तुम काइंड ऑफ इधर आ रहे हो ना तुम काइंड ऑफ इधर की तरफ आ रहे हो ना आ जाओ नेगेटिव एक्स एक्सेस पे मिलोगे लेटर्स वेरीफाई की पावर आई पाए कॉस ऑफ पाए प्लस आई साइन पाए आई साइन पाए वाला पार्ट तो हो गया कितना जीरो कॉस ऑफ पाए कितना होता है माइनस वन बिल्कुल सही कहा था निगेटिव एक्स एक्सेस पे मिल गए

ओवरऑल so, कितना आ गया आपका माइनस आई आंसर आ गया सही कहा था ना नेगेटिव एक्सिस पे मिलेंगे तो वही मिले अब ये कुछ ऐसी यूज मतलब होता रहता है वैसे भी पता होना चाहिए कि हाईलिस पाए मतलब पॉजिटिव एक्सिस माइनस पाए बाई टू मतलब एक्सिस मतलब मतलब तो ये चारों चीजें वैसे भी पता होनी चाहिए ग्राफिकली और उसके अलावा उसी के बेसिस पे आप इसकी वैल्यूज को भी आसानी से मेमोराइज कर सकते हो जल्दी हो जाएगा बस इससे और कुछ नहीं होगा ठीक है हाँ जी गौरव रावत जी जनवरी में कंफर्म हो गया दैट्स राइट right। ठीक है हाँ देख लिया मैंने ट्वेंटी फोर्थ से थर्टी फर्स्ट ठीक है, है। चलो अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले यू uh, नो you know, सवाल पे यहाँ पर चारों केसेस मैंने ले लिए कॉम्बिनेशन आर हियर ऑन स्क्रीन अब आपको यहाँ पर इसका ऑयलर फॉर्म अच्छे से बताना है

टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाई वन के ही बराबर बोल सकते हैं क्या एंड इफ दिस इज राइट तो क्या मैं इसको ऐसा बोल दूर ई की पावर आई पाई बाई थ्री के बराबर इज दट राइट टू ई की पावर आई पाई बाई थ्री आ गया सो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा इजिली डन है क्योंकि फर्स्ट पॉर्डेंट का था फर्स्ट पॉडेंट इज ऑलवेज द इजीएस्ट सेकेंड सेकेंड वाला देखो अब सेकेंड वाले से ट्विस्ट शुरू होता है ठीक है मॉड साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है वो तो अभी भी टू ही है आर्ग्यूमेंट का क्या करोगे आर्ग्यूमेंट कितना बोलने वाले हो आर्ग्यूमेंट क्या बोलोगे एक्स नेगेटिव है y पॉजिटिव है x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कैसे लिखते हो पाई माइनस थीटा थीटा कौन tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय x तो क्या हम बोल सकते हैं कि यार इसका आर्ग्यूमेंट तो इस हिसाब से टू पाई बाय थ्री बना और अगर टू बाई बाय थ्री है तो कोई दिक्कत नहीं यार टू की पावर आई टू बाई बाय थ्री बस हो गया लिख दिया हमने इज दैट ओके दू आया था ठीक है तो एक बार फटाफट से कंफर्म कर दो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के आंसर्स दोनों के मैच हो गए हैं आपके और मेरे तो फिर आगे बढ़े साइन ने भी बता दिया टू बाई बाय थ्री आ रहा है इजी है ठीक है थर्ड वाले को कैसे करेंगे फिर थर्ड वाले को कैसे करेंगे माइनस वन माइनस रूट थ्री है कौन सा एक्स नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है अच्छा जी थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है ओके तो है है कोई दिक्कत नहीं आर्ग्यूमेंट क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कैसे लिखते हो माइनस पाए प्लस थीटा एक सेकेंड माइनस पाए प्लस थीटा थीटा कौन टेन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ बाई एक्स मॉड ऑफ वाई बायस Minus minus gone, नहीं भी जाते तो भी ठीक है थर्डेंट की 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 e के आंसर एम आई राइट और नॉट राइट डन हाँ देखिए हाँ, आशीष देख लिए थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग ठीक है ट्वेंटी फोर जैन टू थर्टी फर्स्ट ऑफ जैन है ना चलिए सो so, अभी उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे अपन वन माइनस रूट थ्री आई ठीक है एक सेकेंड दो अरे यार एक तो घड़िया वड़िया सब डिस्चार्ज है लाइफ में एक सेकेंड होल्ड करो नमो सर एक सेकेंड क्या आप यहां पे आ सकते हैं क्या आप यहां पे एक सेकेंड आ सकते हैं हाँ हाँ। कर दू मुझे हाँ। एक बार मेरा अकाउंट से आप कर दोगे अच्छा ठीक है एक सेकंड दीजिए यार आप है ना तब तक आप लास्ट वाला फटाफट से ट्राई करो लास्ट वाला फटाफट से ट्राई करके देखो ना 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 ना, ना, ना। क्रिएट न्यू एक सेकेंड दो है ना मैं बेसिकली क्या आ, कुछ कर रही हूँ जे एटी थ्री वाले बच्चों के लिए तो एक सेकेंड दो आप मेरे को हिंदी एक सेकेंड देना है ना मैं आई एम जस्ट शेड्यूलिंग समथिंग मींस एडवांस इन भाई ठीक है चलिए सो डन हो गया मेरा काम जो था थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग ऑल राइट सो टू की पावर आई पाई बाई थ्री ओके okay, एक बार देख लेते तो मोर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं वो तो टू है आर्ग्यूमेंट uh, क्या लिखोगे आप फोर्थ पॉर्डेंट में एक सेकेंड माइनस थीटा की जगह क्या लिखूंगी टेन वर्स आई आर्ग्यूमेंट थ्री मेरे ख्याल हाँ से जिसका भी आंसर मैंने पढ़ा था बिल्कुल सही दिया था ऑल राइट हां जी शंकर देख लिए मैंने ठीक है तो मैंने शाम अभी ग्यारह बजे एक डिस्कशन शेड्यूल किया उसके लिए अभी मैं वही शेड्यूल कर रही थी आई सेंड आउट द लिंक ऑल्सो ठीक है मैं पिन करवा देती हूँ यहाँ पे ठीक है एक सेकेंड दो इन uh, माई my... ठीक है एक बार आप इनको बोल दीजिए ठीक है कि एक बार वो शेड्यूल कर मैंने एक भेजा है अरुण जी को लिंक है ना उनको बोलिए कि एक बार उसको पोस्ट कर दें यहाँ पे ठीक है ठीक है चल तो आगे चलते हैं यहां से नेक्स्ट तो वाली तो चीज पे वो हाँ दिखाना अच्छा, अच्छा अच्छा स्टूडियो चाहिए अपन को ओके सो ओके ठीक है तो कुछ कुछ और भी चीजें हैं यहाँ पर अब जैसे ये है आई वॉन्ट यू गाइज टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग वाई यहां पर भी थोड़ा सा कैच है ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ दिख रहा होगा माइनस टू लिखा है मॉडर्ट नेगेटिव हो ही नहीं सकता उसको हमको करेक्ट करना पड़ेगा यहां पे भी देख सकते हो 310 डिग्री माइनस पाई से पाई का दायरा फिर से तोड़ दिया कुछ ना कुछ ठीक करना होगा यहाँ पे भी देख सकते हो बहुत बड़ा कुछ दिया है तो पहली बात तो मैं इसको स्टैंडर्डाइज करूंगी फिर देखती हूँ ठीक है तो ये चीज आपके होमवर्क में रहेगी अपन इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे अभी थोड़ी सी स्टूडियो की जरूरत है सो वी विल कंटिन्यू दिस टूमो ठीक है तो इसको आप अभी अपना होमवर्क में ले सकते हो ऑल राइट एंड देर आर वन और टू मोर क्वेश्चन विच आर देर तो आप उसको होमवर्क में ले लेना ये तो बहुत ईजी है वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस टूमोरो ठीक है तो हाल फिलहाल के लिए इंश्योर करें कि एक तो टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाए ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन आई क्योंकि पोलर फॉर्म एक बार अच्छा हो गया तो आगे का काफ़ी इजी रहता है बट कोई बात नहीं हम इसको कल कर लेंगे ऑल्सो uh, कल की क्लास आपकी यूजुअल टाइमिंग 12:30 पीएम पे ही स्टार्ट हो जाएगी प्ले जेई पर और इस सेशन के डिस्क्रिप्शन uh, में नोट्स भी अपडेट कर दिए जाएंगे ठीक है सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू दैट ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अब जो बच्चे जे ट्वेंटी के लिए सीरियस हो रहे हैं ठीक है आपने देखा है कि यार एग्जाम आपका भी जनवरी में ही होगा आप तो ठीक है सो टॉप टेन हंड्रेड अगर आपको भी इस तरीके के अच्छे रिजल्ट चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ आर बैचेस यलगार योधा एंड योग्य बैचेस ऑल्सो uh, अभी कुछ कुछ और नए बैचेस वगैरह भी स्टार्ट हुए हैं लेकिन इन सब पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको उड़ान कोड जो कि आपकी प्यारी एन अकेडमी जे टीम उड़ान टीम का कोड है उससे मिल जाएगा सो so, प्लीज़ इंश्योर करें कि आप इसके थ्रू अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या फिर आप ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना चाहते हैं या फिर कुछ नए बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर ले जे ट्वेंटी ट्वें ट्वें वाले बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं दिस विल बी मोर हेल्पफुल नाउ फॉर द सेकेंड अटेम्प बट नवर द लेस जिन भी बच्चों की तैयारी अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुई है और जिनको लगता है कि यार जनवरी में उनका उतना चांस नहीं

ओके okay. ठीक so uh, है सो लेट्स लेट्स डिस्कस इट हर्षित है ना सो अभी के लिए मैं एंड कर रही हूं कल ट्वेल्व थर्टी पी एम पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अपन कंटिन्यू करेंगे यहीं से सो so थैंक यू सो मच एवरीवन